हे गाइस, वेलकम बैक टू ठाकुर सौरभ ब्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर के ऊपर ही बजट होटल्स, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। और हर होटल में मैं कोशिश करूंगा कि भाई कम से कम अलग अलग रूम्स कवर करूँ इस वीडियो के अंदर और उनकी प्राइसिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसा कि पता है कि ठंड में भाई मैक्लोडगंज के अंदर या किसी भी हिल स्टेशन के अंदर ऑफ सीजन होता है, जब मेन ठंड चल रही होती है, तो इस टाइम पे रूम काफी बजट फ्रेंडली मिल जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो भी प्राइस आप लोगों को मैं डिस्क्लोज करके बताऊंगा, वो प्राइस सीजन टू सीजन वेरी करेंगे, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं आप लोगों को होटल दिखाने वाला हूँ और वो होटल होने वाला है यहाँ पर। ये है मेन स्क्वायर, यहाँ का मेन स्क्वायर बोलते हैं इसको। और इस वाली तरफ में, मतलब जो फर्स्ट जो कट है ना आपकी राइट में, वहां लेके चल रहा हूँ और यहाँ के आपको होटल्स दिखाने वाला हूँ बजट में। तो भाई अपनी वीडियो का सबसे पहला होटल होने वाला है होटल सफायर, जो की मेन स्क्वायर से जब आप राइट की तरफ जाएंगे, जो मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया, वो रोड जाता है दलाई लामा टेम्पल की तरफ, मेन जो दलाई लामा टेम्पल है उसकी तरफ। तो वहां पर होटल सफायर है। इसके कमरे भाई साहब एक नंबर कमरे, मैं इन्हें कहूंगा स्पेशियस बहुत ज्यादा, और बैल्कनी इतनी ज्यादा बड़ी वाइड बैल्कनी है भाई इनके पास कि मेरे को लगता नहीं कि बजट फ्रेंडली होटल्स के अंदर ऐसा कोई कमरा या ऐसे बैल्कनीज आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसमें मैंने टोटल कवर किए हैं 3 रूम, तीनों की प्राइस अभी आप लोगों को पता लग जाएगी जब रूम की वीडियो चलेगी। और भाई ये ना बेस्ट होटल होने वाला है मैक्लोडगंज का। कैसा लगा आप लोगों को होटल सफायर कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इस प्राइस रेंज में ऐसा कोई होटल मिलना भाई इम्पॉसिबल लगता है मुझे। अब चलते हैं बिल्कुल होटल सफायर के साथ में ही, मतलब 2-4 शॉप्स छोड़ के ही होटल आता है होटल मैक्लोड विस्परिंग करके, और इसके रूम्स भी दिखाता हूँ। इसमें ज्यादा, मतलब रूम्स तो बहुत सारे हैं लेकिन ये है एक्चुअल में बजट होटल। इसके रूम छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, लेकिन बड़े जो है वो बेसमेंट के अंदर है और वो काफी मुझे, मतलब ऐसा लगा कि बस रूम में चले जाओ, बंद हो जाओ, कोई व्यू नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन भाई पैसा देखना है हमें सबसे बड़ी बात। और इसमें ऊपर भी रूम्स अवेलेबल है, बहुत सारे रूम्स में फुल थे लेकिन जो रूम्स अवेलेबल हो पाए उनके मैंने कवर किया है, कैप्चर किया इस वीडियो में, और प्राइसिंग उसके हिसाब से इस पे मेंशन की है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सीजन टू सीजन प्राइस वेरी करेगा, तो इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं बहुत बाद या कभी और, तो उसके टाइम की प्राइस कन्फर्म कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होटल्स के नंबर दिए हुए हैं, वहां जाके आप कन्फर्म कर सकते हो। मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर में ही एक टेम्पल पड़ता है, बुद्धिस्ट टेम्पल, उसके बिल्कुल सामने, मतलब उसके ऑपोजिट में ही है होटल कैलाश एंड रेस्टोरेंट करके है। यहाँ पर जब मैं रूम चेकआउट करने गया तो भाई यहाँ पर ना सारे रूम्स सिमिलर थे, बहुत ही छोटे रूम्स हैं यहाँ पर, और भाई मतलब एक बेड लगा रखा है उसमें आप एंटर होगे वो रूम उतने में ही खत्म है। और इनके पास सारे ही रूम्स इसी तरीके के हैं, मतलब सेम ही कंडीशन में, सेम ही साइज में सारे रूम्स अवेलेबल हैं इनके पास। और भाई 1000 रुपीज इस टाइम पे इसका प्राइस चल रहा है, बिल्कुल मेन स्क्वायर पे है। पार्किंग यहाँ पर आप लोगों को ना, मैक्सिमम होटल्स में पार्किंग अवेलेबल नहीं होगी, और पार्किंग अगर आपको करनी है तो एंड में पता लग जाएगा कि कहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हो, वीडियो को पूरा देखना।
बात कर लेते हैं होटल लासा की। होटल लासा भाई एक ऐसी लोकेशन पे है, जैसे कि आप मेन स्क्वायर पे एंटर करते हो ना, तो बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो रोड, एक रोड निकलती है भागसू नाग टेम्पल के लिए और एक रोड निकलती है धर्मकोट के लिए, तो वो दोनों रोड की स्टार्टिंग जहां से होती है ना, वहीं पे बगल में पिज्जा हट का भी बोर्ड लगा हुआ है और होटल लासा का भी बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ के रूम्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और इसकी प्राइसिंग शेयर करता हूँ। पार्किंग आपको यहाँ भी अवेलेबल नहीं होगी। भागसुनाग रोड के ऊपर ना भाई काफी सारे होटल्स हैं और कॉटेजेस भी हैं, मतलब लाइक उसे गेस्ट हाउस भी कह सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ना उनमें बुकिंग फुल चल रही है। अभी इस होटल में भी गया था मैं, ये होटल फुल पड़ा हुआ है। भागसुनाग रोड पे ही एक और होटल है, होटल इंडिया हाउस, ये भी भाई पूरा का पूरा फुल पड़ा हुआ है। फटाफट से आगे की तरफ चलते हैं और आगे के रूम्स भी कवर करते हैं। तो अब चलते हैं मोना प्लाजा में, जो की धर्मकोट जाने वाली रोड में पड़ता है, और इसके रूम्स का व्यू दिखाता हूँ और टैरिफ बताता हूँ। तो भाई फाइनली अब बारी आ चुकी है कि आपको बताया जाए कि आप अगर ये सब होटल्स लेते हो तो आपको पार्किंग कहाँ करनी चाहिए, और पार्किंग करने के साथ साथ आपको मैं वो होटल भी दिखा देता हूँ जिसमें मैंने खुद पर्सनली स्टे किया था। और भाई यहाँ पर जो रूम का प्राइस मुझे पड़ा था सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए पड़ा था, और पार्किंग के लिए अभी मैं वीडियो के अंदर ही क्लिप मैंने डाल दी ऑलरेडी, जिसमें आपको पता लगेगा कि कहाँ गाड़ी पार्क करनी है, क्या चार्जेस होने वाले हैं, और जिस होटल में मैं रुका था वो है कहाँ पर, क्योंकि उसका ना तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर मुझे मिला, क्योंकि जो वहां पर बंदा था रिसेप्शन पे उसके पास भी कोई ऐसा परमानेंट फोन नहीं था कि वो नंबर दे सके, उसने मना कर दिया। और होटल के बाहर जो नंबर्स थे वो नंबर्स मतलब पता नहीं किसके थे, वो कह रहा था कि कोई गलत पर्चा लगा गया है। तो लोकेशन से आप लोग समझ जाना कि वो कहां पर है होटल, बहुत ही ईजी रहेगा आप लोगों को, मेन स्क्वायर में ही मिल जाएगा वो, और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग दो लोग हो, तीन लोग हो, चार लोग हो, तो अपने अकॉर्डिंगली डील करके वहां पर और अच्छे बजट में रह सकते हो। तो फटाफट से देखो ये वाला रूम और पार्किंग की लोकेशन। तो देखो ये है क्लब हाउस, बोर्ड लगा हुआ है और यहीं पे ऊपर जाके मेरी गाड़ी पार्क है सेफ एकदम। और पार्किंग के चार्जेस कितने हैं भाई, 225 रुपए हैं 24 घंटे के पार्किंग चार्जेस। और गाड़ी के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर अपना रूम, अभी रूम भी दिखाता हूँ। ये रे भाई साहब जिन्होंने हमें रूम दिया है, बहुत ही जबरदस्त वाला। ये खुला भैया दरवाजा और ये घुसे हम, क्यों ना आए, ये फैला रखा है सारा सामान देखो यहाँ पर। हम लोग भाई ऐसे हैं क्योंकि हम ना अभी ड्राइव करके इतने लंबी आए और उसके बाद ये सब फैल गया है। और ये रूम ना भाई देख लो आप, काफी स्पेशियस रूम है, इसमें सब कुछ ही ओवरऑल दे दिया है, बेड दे दिया, टीवी दे दिया, फैन दे दिया, यहाँ पर अलमीरा दे दी, चेयर दे दिया, टेबल दे दिया, सब कुछ ही दे दिया ऑलमोस्ट, है ना। यहाँ एक अच्छा सा मिरर भी दे दिया है भाई, और इधर वॉशरूम दे दिया है, बहुत सही है, गीजर के साथ है, स्पेशियस है, वॉशरूम बहुत बड़ा है, रूम इतना बड़ा है कि देखो ये यहाँ बैठी हुई है और यहाँ से मैं आराम से गुजर रहा हूँ, देख रहे हो। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना ये वीडियो और लगता है कि हाँ भाई हेल्प मिलेगी इस वीडियो से और आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला, कुछ पैसे बचे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए। और भाइयों मैं ना
ट्रैवल करता रहता हूँ और जगह जगह पे जहां भी ट्रैवल करता हूँ वहां पर बजट होटल्स की वीडियो जरूर डालता हूँ, जरूर बना के आप लोगों के लिए डालता हूँ और कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स डालता हूँ कि आप अपना पैसा बचा के ट्रैवल कर सको और अच्छे से हर जगह को एक्सप्लोर कर सको। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।